हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोविंद अग्निहोत्री, योर केमिस्ट्री गुरु। आज हम लोग अपना यूट्यूब का पहला लेक्चर लेके हाजिर हैं आपके सामने। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय गोविंद अग्निहोत्री। फर्स्ट लेक्चर ज़रूर है, लेकिन ये क्लास ट्वेल्थ का सेकेंड चैप्टर है अभी तक का। और जैसा कि मुझे आज जानकारी मिली है कि NCERT ने जो सॉलिड स्टेट चैप्टर हटाया था क्लास ट्वेल्थ से, वो अभी ऐड कर दिया है लेटेस्ट सिलेबस में। तो अब हमारे पास फिर से पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। तो अभी हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। सो सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपके मोबाइल पर दिख रहा होगा अभी को। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विथ सेल। इस चैप्टर में हम लोग सेल से डील करेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाउ टू केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। सो कौन सी डिवाइस लग रही है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एंड केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट थिंग्स, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर का। सो द बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। द फर्स्ट बेसिक थिंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। यू हैव टू नो अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियस। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल, इट इज़ इन 11th स्टैंडर्ड। दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। दिख रहा है सबको? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स when oxidation and reduction occur simultaneously. Now we have to clear what is oxidation and what is reduction. दो पार्ट में सभी को दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, एक तरफ ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है और एक तरफ रिडक्शन लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट दिया गया है ऑक्सीडेशन के केस में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वाइस वर्सा इन द रिडक्शन केस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीडेशन कह रहा है कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। इन द ऑक्सीडेशन केस, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है Al2O3। Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ कोक, जिसे हम कार्बन से लिखते हैं, तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। क्लियर है सबको? Now the second point is, in the case of oxidation, removal of hydrogen. अगर hydrogen remove कर रहे हैं तब भी oxidation होगा, just vice versa in the case of reduction, just opposite in reduction में just इसका उल्टा। वहाँ पर अगर removal of hydrogen था तो यहाँ पर addition of hydrogen हो जाएगा। clear? दोनों के example देख लेते हैं। यहाँ पर methane को burn कर रहे हैं in the presence of oxygen, so it forms carbon dioxide and वाटर वेपर। रिडक्शन का एग्जांपल है हमारे पास इथीन C2H4। इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड हाइड्रोजन इट फॉर्म्स एल्केन, मतलब ये बना रहा है इथेन। नाउ द थर्ड डेफिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन एवरीवन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व देन ऑक्सीडेशन, जस्ट अपोजिट इन द केस ऑफ रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व देन रिडक्शन। वी हैव अ सॉल्ट ट्रिक ऑफ दिस ऑयल, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस रिग, रिडक्शन इन्वॉल्व गेन। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और Na+ में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली इन द केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एटम ने एक क्लोरीन एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट के दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको सभी लोग ध्यान रखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट, नया टॉपिक आया, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है सभी ने, लेकिन मैं फिर भी एक बार सबको बताना चाहूँगा। चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। चार्ज होता क्यों है किसी भी एलिमेंट पे, चार्ज क्यों होता है? तो
बिकॉज ऑफ या वी कैन से ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, एलिमेंट पे जो चार्ज आता है वो किस लिए आता है, वो आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ये सभी लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में बताएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से कैसे क्लियर करेंगे वो हम बताते हैं आपको। हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया हुआ है, ए बी, वी हैव अ कंपाउंड ए बी, ए बी हमारे पास एक कंपाउंड है। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया हुआ है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल है तो क्या होगा, किसी के पास कोई चार्ज नहीं आएगा। ए के पास भी जीरो चार्ज दिख रहा है सबको, बी के पास भी जीरो चार्ज। इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास एग्जांपल हैं, हाइड्रोजन H2 Cl2 O2 एंड N2। सेकेंड केस है हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। अगर ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा कैपेसिटी से अट्रैक्ट कर सकता है, ये दिखाया गया है यहाँ पे, सभी को दिख रहा है। जब ए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो ए के पास कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो बी के पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, इन द केस ऑफ HCl हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। थर्ड केस है हमारे पास व्हेन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, मतलब अब बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बी के पास माइनस चार्ज आएगा पार्शियल और ए के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर, दीज आर द थ्री केसेस। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है तो सबको पता होगा, उसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, और जिसको नहीं पता होगा वो कमेंट सेशन में बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा मुझे, तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो अनदर द बेसिक थिंग इज दैट व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज एनोड। अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस नॉलेज एनोड और कैथोड, कैथोड जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसे कैथोड बोलते थे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता था उसे एनोड बोलते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, हमें क्या याद रखना है, कैथोड के केस में, कैथोड के केस में वेयर रिडक्शन अक्कर, जहाँ पे रिडक्शन होगा उसे कैथोड बोलेंगे, वेयर ऑक्सीडेशन अक्कर, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसे हम लोग एनोड बोलेंगे। क्लियर, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज़ सो दीज आर द बेसिक थिंग। नाउ द बेसिक इज क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मेन चैप्टर, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डील विद सेल। सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डील विद सेल, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी तुम्हारी केमिकल एनर्जी में, वाइस वर्सा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पे जो डिवाइस लगती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड व्हेन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग आगे आ रहे हैं इसी पे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, एंड द थर्ड इज कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, कैसे फ्लो होती है, क्यों फ्लो होती है सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ आयंस फ्लो, आयंस के फ्लो की वजह से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट हैं, दैट इज वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सेकंड इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम एक को पढ़ते हैं आज, इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमें पढ़ना है। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, पहले भी बताया जा चुका है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, क्या इनपुट दिया हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट क्या मिलने वाला है, केमिकल रिएक्शन। कैसी केमिकल रिएक्शन, जो कि नॉर्मली नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होगी। सेकेंड पॉइंट इज, इन दिस सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। रिडॉक्स रिएक्शन सबको पता है, क्लियर है ना, नया वर्ड आया, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप नहीं होंगी, इनको कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। दीज रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट इज, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। 11th में हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, डायनामिक्स में गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। डेल्टा जी, अच्छा किसी, मान लिया हमने किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी है डेल्टा एच, टी डेल्टा एस एनर्जी हमने अपने पास रख ली, तो जो बची एनर्जी है जो कि यूजफुल काम करने में लगाई जाएगी उसको गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनिटी। ओके, सो ये गिव्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने एक कंटेनर लिया और उसमें एक सोल्यूशन भरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब जिसमें फ्लो ऑफ करंट हो जाए, करंट का फ्लो हो जाए, लाइक NaCl। हमने यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन भर दिया, सपोज, हाइपोथेटिकल है, अभी हमें नहीं पता कि NaCl भरा है। हमने उस सोल्यूशन का नाम दिया CA। अब जब CA भरेंगे बर्तन में, एक कंटेनर में, तो क्या होगा, C मतलब कैथोड, या कह सकते हो C मतलब कैटायन, और A मतलब एनायन। तो C कैसा होगा, पॉजिटिव, और A नेगेटिव। तो इस पूरे सोल्यूशन में C प्लस प्लस, A माइनस माइनस बिखरा रहेगा। ओके, क्लियर है सबको, गुड। अभी हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाए, प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लगाए, क्योंकि ये होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लगाए, क्योंकि ये होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लगाए, बिकॉज प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, मतलब ये रिएक्शन पे कोई, जो भी काम हो रहा हो इसमें, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड लगाने से सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर क्या किया हमने, फिर हमने यहाँ पे बैटरी लगाई। एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, एक को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। अच्छा, अभी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है, लेकिन अभी हमने बताया कि ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम कैसे पता करेंगे एनोड कहाँ पे है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड कहाँ पे है, जहाँ पे रिडक्शन होगा, वो भी हमें पता हो जाएगा। तो ये इसका सेल का कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, अच्छा एनोड नहीं बोल के हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है। हमारा जो ए माइनस है, एनायन वाला पार्ट है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा और ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या हमने बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड होगा। सो अब क्लियर हो गया सबको, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब जब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हाफ रिएक्शन बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा एनायन था, यहाँ पे जो C प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और C में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड है। क्लियर हो गया सबको, रिडक्शन तो ये कैथोड है हमारा। इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगा ए माइनस प्लस सी प्लस इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब क्या, सी ए ही तो बन गया है ना, मतलब सी ए जो था हमारा सोल्यूशन
उसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो ए और सी में अलग अलग डिवाइड हो गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।